हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आरएमसी के लिए मैं लाया हूँ। जितने भी पेरेंट्स हैं जो आरएमसी का प्रॉस्पेक्टस मंगवाना चाहते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। आप लोग अब ऑनलाइन भी जो फी पेमेंट है वो कर सकते हैं और अपना आरएमसी का फॉर्म मंगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गूगल में आरएमसी टाइप करिए। ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो गूगल में आपने आरएमसी टाइप किया, ठीक है, आरआईएमसी, और आपने एंटर दबाया, तो आपकी आरएमसी की जो ऑफिशियल साइट है वो खुल जाएगी। उसको खोलना है, और उसको खोलते ही आपको दिखेगा ये ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरआईएमसी प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, अब आरआईएमसी प्रॉस्पेक्टस के लिए आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी और बहुत अच्छी खबर है। तो इसमें साफ साफ लिखा है चेक प्रॉस्पेक्टस टैप फॉर पेमेंट। अगर आपको पेमेंट करना है तो अब आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन टैप जो इसका नीचे दिया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, आप स्क्रॉल डाउन करना और आपको यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस वाला टैब में सबसे पहले दिखेगा आपको 19 फरवरी को ये जो सर्विस है लॉन्च हो चुकी है, ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरएमसी प्रॉस्पेक्टस। इसमें क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या खुलता है। अच्छा, इसमें क्लिक करते ही एसबीआई का पोर्टल खुल चुका है। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं अगर वो आरएमसी का फॉर्म मंगाना चाहते हैं तो वो चीज़ें इसमें दी हैं, और जितने भी यूजर्स हैं, पेरेंट्स की बात हो रही है और तो उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसको फिर आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस में आप क्लिक करना। ठीक है, और इसको आप प्रोसीड करिएगा। ठीक है, प्रोसीड करते ही ये आरआईएमसी देहरादून वाला पेज खुल गया है, एसबीआई का ही पोर्टल है। इसमें आपको कैटेगरी डालनी है पहले, सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरीज मेंशनड है, एक कैटेगरी गिवन है फॉर एससी एसटी। ठीक है, क्योंकि एससी एसटी का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा कम प्राइस का है एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी, तो आप प्रॉस्पेक्टस में आप अपनी कैटेगरी इसको चूज करो। जैसे मैं प्रॉस्पेक्टस फी एससी एसटी चूज करता हूँ, तो एससी एसटी जैसे आप चूज करोगे तो नीचे अदर डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगा। इसमें कैंडिडेट नेम है, पेरेंट नेम है, फुल एड्रेस है, सिटी डिस्ट्रिक्ट, ये पूरी आपको भरना है। ठीक है, तो जो आप फॉर्म की फ़ी देख रहे हो वो है 555 फॉर एससी एसटी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए यही 600 है, तो अराउंड 45 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरीज डालना पहले, प्रॉस्पेक्टस एससी एसटी या आपका जनरल। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, देन यू हैव टू फिल द डिटेल्स। ठीक है, तो जैसे मैं डिटेल्स भरता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोग लें, नेम में मैंने अपना नाम डाल रहा हूँ सूरज आर्या, पेरेंट नेम में अपने फादर का नाम डाल रहा हूँ मैं डीपी आर्या। अच्छा, फुल एड्रेस, तो आपने अपना फुल एड्रेस डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ D22 नेहरू कॉलोनी, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, D22 नेहरू कॉलोनी, CULONY कॉलोनी, देहरादून, DEHRADUN। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टैब में आपने सिटी डालना है, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, अगेन देहरादून, तो मैंने देहरादून डाला। इसके बाद नेक्स्ट टैब में आपको स्टेट डालना है, तो स्टेट है उत्तराखंड, UTTARAKHAND। ठीक है, और उसके बाद पिन कोड आपने डालना है, तो पिन कोड 248001, और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो इसमें आप स्पेसिफिक अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, तो मोबाइल नंबर है 7060508 03, ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं, मैं ऑफिस का नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें फिर रिमार्क है, आप चाहो रिमार्क कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूँगा गुड सर्विस बाय आरएमसी, गुड सर्विस बाय आरएमसी। उसके बाद नेक्स्ट टैब में आपने नाम और डेट ऑफ बर्थ डालना है, किसका डालना है, जो पर्सनली जो बैंकिंग करेगा, जो ये पेमेंट करेगा, तो जो भी आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपनी डिटेल्स डालेंगे, और जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो अपनी डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें नाम जैसे मैं डालता हूँ, अपने अपना ही नाम डालता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैं डालता हूँ अपनी, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ 17 फरवरी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ जो पेरेंट्स हैं वो अपनी डाल सकते हैं,
तो मैं डाल रहा हूँ 17 फरवरी 1989, ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर फिर से मैं अपने फादर का डाल सकता हूँ या अपने ऑफिस का डाल सकता हूँ, तो मैं वही डालूंगा 7060500803, ओके। और उसके बाद टेक्स्ट जो शोन है ये ब्रैकेट में जो टेक्स्ट दिया है F7EE7, ये आपको यहाँ पर डालना है। और याद रखना कि अगर ये कैपिटल में है तो आप कैपिटल में ही लिखेंगे, अगर स्मॉल लेटर्स में तो स्मॉल लेटर्स में। तो ये है एफ विदाउट एनी स्पेस है F7EE7, ठीक है। ये सब करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गलती से तो आप रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो आप इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करते ही आप देखेंगे ऐसा पेज खुलेगा आरएमसी प्रोस्पेक्टस और आपकी डिटेल्स इसमें मेंशन होंगी जो आपने भरी है और आपको कंफर्म करने के लिए आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ प्रोस्पेक्टस SC ST, आप जो भी आपका है कैटेगरी उसके अनुसार आप उसको डालेंगे, ठीक है। कैंडिडेट नेम, फादर, पेरेंट नेम, एड्रेस, फुल एड्रेस डालना है आपको अपना, ठीक है। उस कॉलम में आपको अपना फुल एड्रेस डालना है। तो अगर मैं D22 नेहरू कॉलोनी डाल देता हूँ नहीं हो पाता, मैंने फुल एड्रेस डाला, भले नीचे मैं सिटी और स्टेट अलग से मेंशन कर रहा हूँ लेकिन फुल एड्रेस डालोगे आप उस ब्लॉक में। जैसे मैंने यहाँ पर D22 नेहरू कॉलोनी देहरादून डाला है, ठीक है। पिन कोड, मोबाइल नंबर सब ठीक है, फी ठीक हो गया एंड रिमार्क्स मैंने डाला है, तो उसको मैं कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने के बाद पेमेंट का मोड आएगा, बहुत सारे मोड इसमें दिए हैं, जो लोग नेट बैंकिंग से कर सकते हैं वो ये वाला मोड यूज़ कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट्स भी है, अदर पेमेंट्स मोड भी है, UPI मोड भी है इसमें, ठीक है। तो मैं मेजॉरिटी टाइम मैं UPI मोड से ही पेमेंट करता हूँ, तो पेरेंट्स के ऊपर है, वो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे UPI मोड से करूँगा तो मैं UPI मोड में क्लिक करूँगा यहाँ पर, ओके। और ये मेरा UPI नंबर मांग रहा है और UPI नंबर डाल के मैं इसको सबमिट करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांजेक्शन हो जाएगा और जो आपने एड्रेस दिया आपके एड्रेस में विद इन अ वीक आपका फॉर्म पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है RMC का, जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स अब ऑनलाइन फी सबमिट कर सकते हैं और अपना प्रोस्पेक्टस मंगा सकते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स को मैं बता दूं लास्ट डेट इज 31st of March और उससे पहले फॉर्म आपके पास आ जाना चाहिए। फरवरी चल रहा है लेकिन फॉर्म आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए एक हफ्ते के अंदर, ताकि आप उसे भर लें। और कैसे भरेंगे उसका वीडियो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा और उसका लिंक आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। और अगर जिन पेरेंट्स को ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये समझ में नहीं आता तो वो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मैंने मेंशन किया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।